नमस्कार, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर नंबर 8, अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन द नेबरहुड। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर 8। डिस्कस किया था कि वह नेबरहुड में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है तो वह किस तरह हमें इम्पोर्टेंट है। नाउ अब हम फायर स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम पेज नंबर 43 निकालेंगे और उसमें से रीड करेंगे। मैं रीड करूंगी और आप भी मेरे साथ रीड करना। एट ए फायर स्टेशन द फायरमैन always on alert and in readiness with their fire engines। यानी कि जो फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन यानी कि जब आग लगी हो तो जो मदद करने के लिए हेल्पफुल होते हैं वह, तो जो फायरमैन है वह हमें आग से बचाता है। तो जो वह ऑलवेज अलर्ट होता है यानी कि वह ऑलवेज अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहता है और वह रेडी ही रहता है अपने जो अपनी वैन होती है ना, वह वहाँ से उसके इंजन के साथ वह रेडी रहता है। अलर्ट यानी कि वह हमेशा तैयार होता है और रेडीनेस अलर्ट यानी कि वह एकदम सावचेत हो जाता है कि हमें आग से जो आग में लोग फंसे हैं उसको कैसे निकालना है या उसको कैसे बचाना है। इफ देयर इज अ फायर इन द नेबरहुड द फायर इंजिन्स आर कॉल्ड टू पुट आउट द फायर और रेस्क्यू पीपल। यानी कि जो फायर है वह नेबरहुड में हो, पड़ोस में हो, तो आग जो पड़ोस में लगे तब फायर इंजिन्स को हम कॉल करते हैं, यानी कि फायरमैन को बुलाते हैं फायर स्टेशन में कॉल करके, और वह आकर जो रेस्क्यू पीपल यानी कि जो आग में फंसे हैं उन लोगों का बचाव करते हैं, यानी कि रेस्क्यू यानी बचाव करते हैं उन लोगों का। तो इफ देयर इज ए फायर इन द नेबरहुड द फायर इंजिन्स आर कॉल्ड टू पुट आउट द फायर और रेस्क्यू पीपल। द फायर इंजिन्स आर बिग रेड वैन विथ बेल्स, लेडर्स एंड वाटर हाउसेस। जो फायर इंजिन है वह अपनी हमेशा फायर इंजिन यानी कि जो गाड़ी होती है उसके में जो इंजन होते हैं वह उसकी रेड वैन होती है, बहुत बड़ी रेड वैन होती है, और वह अपनी बेल्स, लेडर्स एंड वाटर हाउसेस यानी कि वह जो लेडर्स होती है यानी कि पानी का छिड़काव करती है, वह पाइप्स, बेल्स यानी उसका साउंड कि फायर गेन आ रही है उसका साउंड, और वह और वाटर हाउसेस यानी कि एक पानी की टंकी हमेशा साथ लेकर ही चलते हैं। तो फायर स्टेशन है वह हमें क्या हेल्पफुल है कि जब कहीं भी आग लगी हो तो हमें फायरमैन हमें बचा सकते हैं एंड वह हमेशा अपने ड्यूटी पर तैयार रहते हैं। और वह हमें वह क्या लेके आते हैं, रेड कलर की उसकी वैन होती है। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे दिया है, राइट। तो इस पिक्चर में आपको 3 वैन दिखाई दे रही है, एक वैन में सिर्फ साउंड और वो दिखाई देगा, देखो, राइट। और यहाँ आपको लिखा है फायर ब्रिज, यहाँ से पानी का छिड़काव हो रहा है, ये लेडर्स है और ये वाटर टंक है। तो ऐसे करके वह पानी का छिड़काव करके आग को बुझा देंगे और जो पीपल जो लोग हैं ना वह आग में फंसे हो उनको बचाते हैं। अभी हमने फायर स्टेशन के बारे में डिस्कस किया, पता चला ना फायर स्टेशन यानी क्या। जब आग लगी हो तो जो सारा के लिए जो हमें हेल्प करने के लिए आते हैं वहाँ वही फायर स्टेशन। नाउ एंड पुलिस स्टेशन। तो बच्चों पुलिस स्टेशन तो आपको पता है, हमने पुलिस भी देखे होंगे और
पुलिस स्टेशन। जब बी बड़ा बहुत बड़ा पड़ोस हो ना तो वहाँ एक पुलिस स्टेशन जरूर होता है, पर विलेज में एक ही होता है। सिटीज में अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। द पुलिसमैन हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो क्या कहते हैं कि पुलिस में हमें हेल्प कब करते हैं? जब हम मुसीबत में हो, राइट? तो हम जब मुसीबत में हो तो हम पुलिस मैन को कॉल कर सकते हैं। दे मेंटेन लो एंड ऑर्डर एंड कैच थीव्स एंड क्रिमिनल्स। कि दे वो क्या मेंटेन करते हैं? वो लो और ऑर्डर, जो लो और ऑर्डर यानी कि कायदे होते हैं उसको वो फॉलो करते हैं, और थीव्स एंड क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, कैच आउट यानी पकड़ते हैं। तो क्रिमिनल्स यानी गुनेगार और थीव्स यानी चोर, तो चोर और गुनेगारों को वह पकड़ते हैं। यहाँ आपको एक पिक्चर दिया गया है पुलिस स्टेशन का। यहाँ है पुलिसमैन बैठे हैं, यहाँ आपको कैदी दिखाई दे रहे हैं यानी गुनेगार दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, राइट? नाउ ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल ऑन द रोड्स। कि जो ट्रैफिक पुलिसमैन है ना वह क्या कंट्रोल करता है? तो वह जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हो व्हीकल के साथ वह सिग्नल तोड़ दे तो उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है। जैसे आपने अभी देखा कि हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है, अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो जब एक्सीडेंट होगा तो आपको कहीं भी डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस मैन होते हैं। तो वह हमें दंड देते हैं कि हमने हेलमेट नहीं पहना हो, तो वह हमें फिर से हेलमेट पहनने के लिए या फिर हमारे हमें समझा दें कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। तो डू यू नो इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, कि हम क्या आपको पता है कि जब एमरजेंसी हो तो किस किस को किस टाइम फोन करना, किसको फोन करना चाहिए, कॉल्स करने चाहिए? डायल 100। तो ये 100 है वो किसका है? पुलिस मैन का, राइट? पुलिस स्टेशन का। जब आप कहीं भी मुसीबत में हो, ट्रबल में हो, तो आप पुलिस स्टेशन को कॉल कर सकते हो, राइट? नाउ है फायर स्टेशन, यानी कि जब आग लगी हो तो फायरमैन को कॉल करना चाहिए। तो उसका क्या है? 101। ये फायरमैन के नंबर है यानी कि फायर स्टेशन के। एंड नाउ द कॉल द एम्बुलेंस, तो 102 ये एम्बुलेंस के फोन नंबर, कॉल नंबर है। तो आप जब इमरजेंसी में हो तो ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डायल 100 टू द पुलिस, डायल 100 यानी कि 101 टू कॉल द फायर स्टेशन, एंड डायल 102 टू कॉल द एम्बुलेंस सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं वह नेबरहुड की सेवा है। तो बच्चों आज हमने किस सेवा के बारे में डिस्कस किया, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? हाँ, राइट। तो हमने आज डिस्कस किया कि फायर स्टेशन फिर द पुलिसमैन। तो फायर स्टेशन में कौन हेल्पफुल होता है? फायरमैन। एंड पुलिस स्टेशन में कौन हेल्पफुल होते हैं? पुलिसमैन, राइट? और वह कब हेल्पफुल होते हैं? जब हम मुसीबत में हो। और फायर स्टेशन में कब हेल्पफुल होते हैं? जब हमारे पड़ोस में या हमारे घर में और कहीं जगह आग लगी हो तो फायर स्टेशन हेल्पफुल होते हैं। तो आइए सब थोड़े बहुत पिक्चर्स देखते हैं कि पुलिस स्टेशन कैसे दिखता है, फायर स्टेशन कैसे दिखता है, और जो फायर मैन है वह कैसे दिखती है। तो अभी हमने फायर स्टेशन के बारे में सीखा ना कि फायर स्टेशन क्या होता है, आग लगती है तो हमें तभी काम आते हैं। तो ये क्या है? ये रेड वैन है। तो ये कब, ये इसके साथ क्या होता है? ये फायर ब्रिज है यानी कि यह हमें आग बुझाने के लिए काम आती है, राइट? नाउ नेक्स्ट, ये पुलिस स्टेशन का पिक्चर है। अभी हमने पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन दोनों के बारे में सीखा। तो जब हम मुसीबत में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, तो पुलिस हमें हेल्पफुल होती है, राइट? हाँ। नाउ नेक्स्ट, ये कौन है? यस, पुलिसमैन। तो बच्चों आज आपको पता चल गया होगा कि फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन हमें कब उपयोगी है, क्योंकि ये भी एक नेबरहुड का इम्पोर्टेंट प्लेस है। कि जैसे जो देखो कि आग लगी हो तो हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं,
तो वह हमारे घर में, पड़ोस में या कहीं भी जगह आग लगी हो तो वह आग बुझाने में काम हमारी हेल्प करते हैं, और पुलिस स्टेशन चोर गुनहगारों को पकड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, क्रिमिनल्स थीव्स, राइट। ओके, तो आज आपको समझ में आ गया ना कि पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है नेबरहुड के। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।